यूपी बरेली से प्रदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर का शेयर है, 2021 में मैंने बाय किया था, 220 रुपए थे, 500 शेयर है मेरे पास अभी। तो आप बताइए क्या उसको होल्ड करें या फिर इसमें सेल कर दूं? मैक्स हेल्थ केयर का आपका ओरिजिनल क्या व्यू है, कब तक घटना चाह रहे हैं? आपको तो अच्छा मुनाफा है, लेकिन अभी 4-5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, 4-5 साल तक अभी कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर लूँ उसको। ओके, लंबी अवधि में रखना हो मैक्स हेल्थ केयर, संदीप जी फिलहाल मुनाफा इन्होंने तो डबल कमा लिया है, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर वैसे मुझे स्टॉक ठीक ही लगता है, बट हालांकि मैंने बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया इस स्टॉक को, और ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट होके कंसोलिडेट भी हुआ है। फंडामेंटल्स देखिए, वैसे ये सारे स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वाले हो या डायग्नोस्टिक्स वाले हो, और थोड़े फ्लेवर में है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत सस्ता है, बट ओवरऑल द मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड, द सेक्टर इज गुड, और डेट्स को इन्होंने रिड्यूस किया, और काफी सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स बढ़िया हुए हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था तो वो बढ़िया ही थे, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स और पिछले 4-5 क्वार्टर्स बहुत बढ़े गए, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठे हैं, तो ये सारी चीजें हैं, बट ओवरऑल मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा। दूसरे जो निवेशक या हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, बट इनके पास चुकी है तो ये कंटिन्यू करें होल्ड करना, मुझे ऐसा लगता है कि 650-650 के टारगेट्स के लिए होल्ड। मैक्स हेल्थ केयर होल्ड करने की सलाह संदीप जी की तरफ से आपके लिए। दिल्ली से विजय अग्रवाल से बात करते हैं, नमस्कार, बताइए।